Hello everyone, I am back again with the gate questions. So in the last video we have discussed the algorithm 2 that is given by the Dekkers. It is Dekker solution. There we have used flag variable, that is a boolean variable which contains or retains the information about the status of a process, whether that process wants to go inside the critical section or not. So status hum us variable hai, boolean variable mein store karte the. So we have two processes, so we have two boolean variable and we have taken the array of two variable. ठीक है, तो मान लो दो array लिया 0 and 1. ठीक है, तो question में देखिए क्या लिखा है. Two processes P1 and P2 need to access a critical section of code. Consider the following synchronization construct used by the processes. This is the construct given. Here wants 1 and wants 2 are shared variables which are initialized to false. Initially it is initialized to false. ठीक है, यहाँ पे true true लिखा हुआ है, ये जब critical section में entry करेगा तब वो true कर रहा है, but before that this is false, ये लिखा हुआ है. So पूछता है which one of the following statement is true about the above construct. तो हमको ये find out करना है कि कौन सा statement true होगा. तो यहाँ भी वही, it does not ensure mutual exclusion है कि बाउंडेड वेटिंग नहीं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है, बाउंडेड वेटिंग नहीं है. इट रिक्वायर्स दैट प्रोसेस एंटर द क्रिटिकल सेक्शन इन स्ट्रिक्ट ऑल्ट्रेशन, ऐसा तो नहीं है. इट डज नॉट प्रिवेंट डेडलॉक्स बट एंश्योर्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन. विच वन इज करेक्ट, लेट सी दैट. सो इट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन द लास्ट एल्गोरिदम. तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट. सो इट इज एक्चुअली रिसेम्बलिंग दैट क्वेश्चन. वाई देयर आर टू प्रोसेसेस. ठीक है, वाइल ट्रू इसके अंदर इसका जो वेरिएबल है वॉन्ट्स वन, इज इट इज़ फर्स्ट सेटिंग द वेरिएबल वॉन्ट्स वन टू ट्रू. ठीक है, और उसके बाद वाइल लूप अपने एंट्री कंडीशन में देखिए, ट्रू करने के बाद वो क्या चेक कर रहा है कि कहीं मेरा फ्रेंड भी तो अंदर नहीं जाना चाहता, प्रोसेस पी टू भी तो एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता क्रिटिकल सेक्शन. अगर वो करना चाहता है तो उसने वॉन्ट्स टू में क्या लिखा होगा, ट्रू. सो हियर द फ्लैग की जगह हमने क्या, हम क्या बोल रहे हैं, वॉन्ट्स वन, इसको ले लिया वॉन्ट्स वन, दिस इज वॉन्ट्स टू, अलग अलग वेरिएबल वैल्यू ले लिए. ठीक है, तो वॉन्ट्स वन एंड वॉन्ट्स टू. वॉन्ट्स वन में इनिशियली क्या है, फॉल्स है. ठीक है, तो देखते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन करके. प्रोसेस पी वन एग्जीक्यूट करना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन, तो वो अंदर आएगा, सबसे पहले अपने आप को ट्रू करेगा. ठीक, कि मुझे जाना है. वाइल वॉन्ट्स टू इक्वल टू ट्रू, ट्रू है क्या, नहीं, फॉल्स है. अगर ट्रू होता तो हमको यहाँ पे वेट करना है. सी इफ इट इज़ ट्रू वेट, नहीं है तो क्रिटिकल सेक्शन में जाओ. तो नहीं है, इट इज़ फॉल्स, सो वी प्रोसेस पी वन चला जाता है क्रिटिकल सेक्शन में. प्रोसेस पी वन अपना जब क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा था, लेट्स चेक द म्यूचुअल एक्सक्लूजन. सो यहाँ पे हम कंटेक्स्ट स्विचिंग करते हैं, प्रोसेस पी टू को चांस देते हैं. नाउ कंसीडर दैट प्रोसेस पी टू वॉन्ट्स टू एग्जीक्यूट इट्स क्रिटिकल सेक्शन. तो अंदर आता है, वॉन्ट्स टू अपने वेरिएबल को क्या करता है, ट्रू सेट करता है. ठीक है, ट्रू सेट करने के बाद वो चेक करता है, वाइल वॉन्ट्स वन भी तो ट्रू नहीं है, तो क्या है, वो भी ट्रू है. तो ये क्या हो जाएगा, प्रोसेस पी टू यहीं पर रुक जाएगा, यहीं पर वेट करता रह जाएगा. अगर वॉन्ट्स वन भी ट्रू है तो वेट करो, सी सेमीकोलन. ठीक, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो इट विल वेट हियर ओनली तब तक जब तक कि ये बाहर निकल के अपने आप को फॉल्स ना कर दे और ये कंडीशन इसकी फॉल्स ना हो जाए. ठीक है, इसलिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हमारा हो रहा है. ठीक, देयर इज अ म्यूचुअल एक्सक्लूजन. लेट्स चेक प्रोग्रेस. अगर प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट करने के बाद वो क्रिटिकल सेक्शन से जब बाहर आता है तो अपने वॉन्ट्स वन को फिर से फॉल्स कर देता है. ठीक है, ये फिर से फॉल्स हो जाता है, तो फॉल्स हो गया. अब अगर इसको फिर से जाना है P1 को, P2 को, मान लो P2 को नहीं जाना, इट इज़ ऑल्सो फॉल्स. P2 को अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं करना, तो क्या P1 फिर से एग्जीक्यूट कर पा रहा है? यस, इट कैन एग्जीक्यूट. सी वॉन्ट्स वन फिर से वो अपना ट्रू करेगा, फॉल्स को अपडेट करके फिर से ट्रू करेगा, चेक करेगा वॉन्ट्स टू तो कहीं ट्रू नहीं है, नो इट इज़ फॉल्स, तो ये अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर लेगा और जब वापस आएगा तो फिर से फॉल्स करेगा. व्हाई इज़ इट पॉसिबल? देखिए, प्रोग्रेस हो रहा है, देर इज़ अ प्रोग्रेस, राइट. जिस प्रोसेस को जितनी बार एग्जीक्यूट करना है हम एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, तो प्रोग्रेस तो हो रहा है. बट देर इज़ अ क्वेश्चन मार्क, देर इज़ वन सिचुएशन. सी इफ़ पी वन वॉन्ट्स टू एग्जीक्यूट इट्स क्रिटिकल सेक्शन, इट विल कम इन साइड एंड सेट इट्स वॉन्ट्स वन टू ट्रू. ठीक है, वॉन्ट्स वन को इसने ट्रू डाला. ठीक, और इसी समय यहाँ पे कंटेक्स्ट स्विचिंग हो जाता है.
एंड प्रोसेस P2 को चांस मिलता है. प्रोसेस P2 ऑल्सो वॉन्ट्स टू एग्जीक्यूट इट्स क्रिटिकल सेक्शन, तो वो भी अंदर आएगा और अपने वॉन्ट्स टू को ट्रू करेगा. तो वॉन्ट्स टू भी अब क्या हो गया, ट्रू हो गया. ठीक. और जब वो वाइल लूप में आता है और वॉन्ट्स वन इक्वल टू ट्रू है तो मुझे वेट करना है. तो क्या चेक करता है, यस इट इज़ ट्रू, तो इट विल वेट हियर ओनली. नो वन इज एग्जीक्यूटिंग इट्स क्रिटिकल सेक्शन, बट जो चाहता है वो भी एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है. सो वॉट इज दैट, दिस इज कॉल्ड डेडलॉक सिचुएशन. सो प्रोग्रेस तो होता दिख रहा था, बट देर इज अ सिचुएशन वेयर डेडलॉक कैन हैपन इन दिस सिनेरियो. ठीक है, तो लेट्स सी द ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट. द लास्ट वन, द डी ऑप्शन, इट डज नॉट प्रिवेंट डेडलॉक बट इंश्योर्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन. राइट, तो ये तो इसमें क्वेश्चन मार्क है, तो ये नहीं हो पा रहा है, हम ये बोल सकते हैं. ठीक है, सो इन दिस वे दिस क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व. इन द सेम वे द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन गेट 2015, दैट इज हियर द सेम क्वेश्चन. देयर इज ऑल्सो टू प्रोसेसेस. ठीक है, टू प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कंस्ट्रक्ट किया हुआ है बाय बोथ द प्रोसेसेस, प्रोसेस एक्स एंड प्रोसेस वाई. हियर वेयर पी एंड वेयर क्यू, ये जो है इट इज अ शेयर्ड वेरिएबल्स एंड बोथ आर इनिशियलाइज टू फॉल्स. इसमें भी वही बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. यहाँ पर अब देखो स्टेटमेंट्स थोड़ा सा वर्डिंग्स चेंज कर दिया, बट एक्चुअली वही पूछा जा रहा है. तो देखिए सेम, इन द सेम वे जैसे हमने ये सॉल्व किया वैसे ही ये भी है. ठीक है, इट हैज़ बीन आस्क्ड इन 2015. तो देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा है कि नहीं, जब वेयर पी एंड वेयर क्यू. ठीक है, वेयर दोनों ही फॉल्स है इनिशियली. जब प्रोसेस एक्स को एग्जीक्यूट करना है तो पहले वेयर पी को क्या करेगा, ट्रू करेगा, अंदर आएगा, चेक करेगा कहीं दूसरा भी तो ट्रू नहीं है, मेरा फ्रेंड भी तो ट्रू नहीं है, नहीं ये फॉल्स है, तो ये अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करेगा. जब वो अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा था, अगर प्रोसेस वाई को भी एग्जीक्यूट करना है तो इट विल कम इनसाइड एंड सेट इट्स वेयर क्यू टू ट्रू एंड चेक वेदर वेयर, दिस इज वेयर पी, सॉरी. ठीक है, चेक वेदर वेयर पी इक्वल टू ट्रू है ना, कहीं दूसरा वाला भी तो रेडी नहीं है, तो ये क्या पाएगा, यहाँ पर कंडीशन इज ट्रू, वेयर पी इज ट्रू, सो इट विल वेट हियर. सो ओनली वन प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इट्स क्रिटिकल सेक्शन, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हमको मिल रहा है. देन सी, प्रोसेस एक्स जब एग्जीक्यूट कर रहा था क्रिटिकल सेक्शन, एग्जीक्यूट कर लिया, जब वापस आता है तो ये अपने ट्रू को फिर से फॉल्स कर देता है. अब अगर प्रोसेस एक्स को फिर से जाना है तो क्या ये एग्जीक्यूट कर सकता है, यस इट कैन एग्जीक्यूट, फिर से अपने आप को ट्रू करेगा और वेयर क्यू को चेक करेगा, यस इट इज ट्रू. सी है ना, तो अगर ट्रू होगा तो इट विल वेट हियर, वो भी यहाँ वेट कर रहा है, वो भी यहाँ वेट करेगा, दोनों ही नहीं जा पा रहे. ये कंडीशन क्या हो गई, डेडलॉक की कंडीशन, इन द सेम वे जैसे मैंने पुराना वाला एक्सप्लेन किया. ठीक, तो प्रोग्रेस तो होता दिख रहा था. ठीक है, प्रोग्रेस होता कैसे दिख रहा है, मान लो वेयर प्रोसेस वाई को जाना ही नहीं है, ये फॉल्स है, तो ये क्या होगा, फिर से ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा, ये एग्जीक्यूट हो, जितनी बार प्रोसेस एक्स को एग्जीक्यूट होना है वो हो सकता है, उसको प्रोसेस वाई पे वो डिपेंडेंट नहीं है कि वो एक बार एग्जीक्यूट हो जाए तो उसको चांस दे दे. नो, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बट दे आर चेकिंग ईच अदर्स वेदर दे आर एग्जीक्यूटिंग देयर फ्रेंड इज एग्जीक्यूटिंग इट्स क्रिटिकल सेक्शन और नॉट. इफ इट इज, वेट इन द एंट्री सेक्शन, इफ इट इज नॉट, जस्ट गो इन साइड द क्रिटिकल सेक्शन. राइट, इन द सेम वे, तो प्रोग्रेस हमको नहीं मिल रहा बिकॉज देर इज अ डेडलॉक. द सेम क्वेश्चन इन द डिफरेंट वे. सो सी विच ऑप्शन इज करेक्ट, द प्रपोज सॉल्यूशन प्रिवेंट्स डेडलॉक, इज इट प्रिवेंटिंग डेडलॉक बट फेल्स टू गारंटी म्यूचुअल एक्सक्लूजन. नो, द प्रपोज सॉल्यूशन गारंटीज म्यूचुअल एक्सक्लूजन बट फेल्स टू प्रिवेंट डेडलॉक. दिस इज द ऑप्शन विच इज करेक्ट. The proposed solution guarantees the mutual exclusion. Yes, it is guarantees, but fails to prevent deadlock in the progress. Right. So, the second option, process B, option B is correct. So, option B is correct. So, that's it. All the questions related to the algorithm 2, मैंने discuss कर लिए हैं. कुछ questions और मिलेंगे आपको related थोड़े से. You can go through it and you are definitely able to solve that questions. So, yeah, if you like the video, please hit the like button and see you in the next video. Thanks for watching.